चिड़ा चिड़ी की कथा। एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत करती थी तो उसको भगवान श्री कृष्ण खिचड़ी का कटोरा रख जाते और बुढ़िया व्रत खोल लेती। पड़ोस ने देखकर जलती थी कि इसका कोई नहीं, फिर भी खिचड़ी इसको खाने के लिए मिल ही जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई थी। भगवान आए और खिचड़ी का बेला मकान में रखकर गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठाकर मकान के पीछे फेंक दिया। बुढ़िया आई तो खिचड़ी का बेला देखा और उसको कहीं नहीं मिला। वह भूखी रही और कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला। पीछे उस खिचड़ी के दो फूल उग गए थे। एक दिन राजा शिकार खेलने गए तो बुढ़िया के घर के बाहर से जा रहे थे तो उनको वह फूल दिखाई दिया। राजा फूल तोड़कर ले गए। रानी ने फूल देखकर सूंघे तो रानी को गर्भ हो रह गया। राजा रानी की कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी के दो लड़के पैदा हुए। वह लड़के बड़े होने लगे और बच्चे किसी से भी नहीं बोलते थे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते तो रास्ते में बुढ़िया मिलती। बुढ़िया कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। लड़के कहते, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते बुढ़िया कहती तो लड़के यही जवाब देते। राजा को पता चला। राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि हमसे तो ये बोलते नहीं, तुझसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि मुझे इस बात का नहीं मालूम, लेकिन मैं कार्तिक व्रत करती तो श्री कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी दे जाते। तो एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली। तब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब लड़के बोले कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके फूल बन गए, राजा तोड़कर ले गए, उससे हम लड़के हो गए। हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में रख लिया।